एवरीवन, दिस इज सैयद अब्दुल वसी एंड यू वॉचिंग सैयद द सॉल्यूशन। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है MySQL जो है वो दो चीज़ें सॉरी एक चीज़ देखेंगे दो तरीक़ों से। वो क्या चीज़ है? अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपर केस में दिखानी है लेकिन हमारे पास जो है वो MySQL में या डेटाबेस में जो है लोअर केस में है, जैसे कि मेरे पास यहाँ स्टूडेंट्स का डेटा है और ये दो देखे आप दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर मेरे पास लोअर केस में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको जो है मैं अपर केस में दिखाऊं। तो वो कैसे दिखाएंगे? सिंपल तरीका है, जैसे आप नॉर्मल सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी है, इससे मेरा जो है नॉर्मल डेटा आ जाता है। लेकिन बस हमने चेंज क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन है, दो फंक्शन है लेकिन काम दोनों से एक ही होता है। वो क्या फंक्शन है? हमारे पास एक तो फंक्शन होता है अपर कॉमा और दूसरा फंक्शन है हमारे पास यू केस, ठीक है। दोनों फंक्शनों से एक ही काम होता है, ठीक है। तो मेरे पास दो कॉलम है और मैं यहाँ दो कॉलम जो है अलग अलग फंक्शन में जो है वो रिट्रीव कराऊंगा। दोनों मैंने इस तरीके से जो है अलग अलग फंक्शन में देंगे, अपर केस और यू केस, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है लेकिन काम दोनों से एक ही होगा। आप देख सकते हैं और ये देखें दोनों जो है वो चीज़ें आपके पास अपर केस में आ गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपका जो वो था क्या नाम है हेडिंग है वो सही नहीं आ रही। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपने यहाँ लिखना होगा हेडिंग। हेडिंग हम जो है वो एज डबल कोट में हम इसको नाम दे देंगे, सॉरी सिंगल कोट में इसको नाम दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट नेम, और इसी तरीके से इसको भी हम नाम दे देंगे यहाँ पे एज फादर नेम, ठीक है, सिंगल कोट में। कॉपी कर लिया जाते हैं गो। तो देखें अब आपके पास हेडिंग के जो है वो नाम आ गया और आपका जो है वो अपर केस में आ गया, बिल्कुल एज इट इज़। आप PHP में या कि आप ASP.NET में इसको जब रिट्रीव कराएंगे तो वो इसी फॉर्म में जो आपको वहाँ पे डेटा मिलेगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।